ओम अज्ञानति मिरांदस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पत्रुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यमि गौरतविषये नमः। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोसुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य भागवत आदि खंड प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए द डिवोटीज ऑल लव टू हियर टॉपिक्स कंसर्निंग लॉर्ड कृष्णा but Nimai did not mention anything about Krishna when he challenged them. Jitne bhakt hain wo Krishna ke vishay mein sunna chahte hain lekin Nimai jo hain wo Krishna ki koi charcha hi nahi karte rahe jab bhi unko chunauti dete. One day as Nimai walked on the main street with his students he displayed symptoms of great pride. Ek din Nimai chal rahe the sadak pe apne shishyon ke sath और प्रभु ने जो अभिमान प्रदर्शन कर रहे थे। एट दैट टाइम मुकुंद वॉज ऑन हिज वे टू टेक बाथ इन द गंगेज और मुकुंद जो है वो जा रहे थे गंगा जी में स्नान करने के लिए। बट व्हेन ही सॉ निमाई कमिंग ही रैन अवे जब उन्होंने देखा कि निमाई आ रहे तो वो भाग गए। सीइंग द लॉर्ड इंक्वायर्ड फ्रॉम गोविंद ये देखते हुए महाप्रभु गोविंद से पूछते हैं व्हाई डिड द बॉय रन अवे अपॉन सी मी ये जो बालक है मुझसे क्यों दूर भाग गया। गोविंद रिप्लाइड ओ पंडित आई डोंट नो परहैप्स ही वेंट समवे फॉर सम मुझे पता नहीं शायद वो किसी काम के लिए चला गया कुछ काम के लिए चला गया। द लॉर्ड रिप्लाइड आई नो द रीजन व्हाई ही इज अवॉइडिंग मुझे पता है क्या कारण है वो मेरी उपेक्षा कराए। He does not want to speak with a non-devotee. वो किसी अभक्त के साथ चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि मुकुंद भगवान का बहुत ज़्यादा प्रिय है क्योंकि वो कीर्तन करते हैं कृष्ण की लीला का गुणगान करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं इसी कारण से वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है। लेकिन महाप्रभु ने अपने आप को अभी प्रकाशित नहीं किया है अभी तक साधारण जीव की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं और लोग उनको समझ भी नहीं पा रहे हैं उन्हें लग रहा है कि ये भी साधारण मनुष्य है। तो मुकुंद को लगा कि मैं आप भक्तों से क्यों बात करो समय बर्बाद करो इससे अच्छा मैं हरिनाम करूँ या हरि कथा करो किसी के साथ। दिस बॉय स्टडीज ओनली वेस्टर्न लिटरेचर वाइल आई एक्सप्लेन ओनली पंजी वृत्ति एंड टीका कहते ये जो लड़का है केवल वैष्णव ग्रंथ को पढ़ता है और मैं व्याख्या करता हूँ पंजी की वृत्ति की और टीका की इनकी व्याख्या करता हूँ। तो कहते जो शुद्ध भक्त होते हैं जो वैष्णव होते हैं उनको केवल वही ग्रंथ पढ़ना चाहिए जो कृष्ण संबंधित हो जिनमें उनकी लीला का गुणगान किया जाए और नाम की महिमा गाई जाए। अन्य ऐसे तो बहुत से ग्रंथ हैं अलग अलग वृत्ति के अलग अलग लोग होते हैं तो सबको जैसा जिसकी वृत्ति उससे वो ग्रंथ आकर्षित लगता है। लेकिन जो भगवान के वैष्णव होते हैं वो वही ग्रंथ पढ़ते हैं जिस पर नाम की प्रधानता हो या भगवान की लीला का गुणगान हो क्योंकि सारे शास्त्रों का सार है कृष्ण जी ने ये कहा है भाई ऑल द वेदस आई एम टू बी नॉट वेद के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। कृष्ण के चरणों में प्रीति उत्पन्न होना उनके नाम में रुचि होना यही सारे ग्रंथों का सार है।
आई डू नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट कृष्णा देयरफॉर ही रैन अवे मैनी स्वामी, मैं कृष्णा के विषय में कुछ चर्चा नहीं करता हूँ इसी कारण से वो दौड़ गया मेरे को देखते ही। द लॉर्ड कॉल मुकुंद सम इल नेम्स, भगवान ने उन्हें बुलाया कुछ दूसरे नामों से, गलत नाम उनको उनके को निंदा के भाव में किए। येट ही वॉज एक्चुअली सेटिस्फाइड, लेकिन भगवान अंदर से बहुत तृप्त थे। कहते भक्त ऐसे ही होने चाहिए, मिलना है तो हरी चर्चा करनी है, हरी कथा सुननी है या चर्चा करनी या नाम करते रहना। जो हरी नाम नहीं करता, हरी कथा हरी चर्चा नहीं करता, उसका मुख देखना भी नहीं चाहिए। मानस पे लाइन आती है, स्त्री कितनी भी सुंदर हो अगर उसके वस्त्र शरीर पे वस्त्र ना हो, सज्जन उसकी और आंख उठा के नहीं देखते। तो कहते जिसके मुख में राम नाम नहीं वह मनुष्य देखने लायक नहीं है। ये सुंदरकांड की लाइन है। तो यानी मनुष्य की सुंदरता प्रभु के नाम से है। जिस मुख से प्रभु का नाम नहीं, प्रभु की कथा नहीं, वह मुख देखने लायक नहीं रहता। At the same time, he indirectly disclosed his identity. उसी समय उन्होंने अपने आप को स्पष्ट रूप से नहीं तो दूसरे तरीके से प्रकाशित किया। अब कितना कुछ समझे वो बात अलग है। The Lord said, my dear boy, how long will you avoid my clutches? तो कितने समय तक मुझसे दूर रहेगा? Do you think you will escape my association by running away? तुझे क्या लगता है कि तो मेरा संग छोड़ देगा मुझसे दौड़ के? यानी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वो बता रहे कि मेरे का संग करना पड़ेगा क्योंकि मैं ही कृष्ण हूँ। Smiling, the Lord said, when I finish my studies, then you will all see my Vaishnav qualities. कहते एक बार मैं पढ़ाई का ख़त्म कर लूँ तो मेरे अंदर आपको सारे वैष्णव गुण दिखाई देंगे। I will be such a Vaishnava that Brahma and Shiv will come to my door. मैं ऐसा वैष्णव होऊंगा कि ब्रह्मा और शिव जी भी मेरे द्वार पे आएंगे, क्योंकि महाप्रभु ही है जो प्रेम प्रदान कर सकते हैं। तो कहते हैं कि वो प्रेम जिसकी जो सुखदेव जी तरसते हैं, व्यासदेव तरसते हैं, शिव जी और ब्रह्मा जी तरसते, लेकिन उनको मिलता नहीं, वही प्रेम जो है राधा रानी का भाव, मंजरी भाव, वो मैं प्रदान करूंगा। महाप्रभु मंजरी भाव भी तो देने आया, राधा दासम का ही तो भाव देने, और क्या वह मंजरी भाव जो उनकी सेविका जो दिखने में छोटी छोटी होती है लेकिन राधा रानी की अति प्रिय, सबसे ज़्यादा करीबी होती है, तो वही उन्हीं का भाव हमको प्रदान करने आए हैं। माय डियर ब्रदर, लिसन टू मी, आई विल सर्टनली बिकम एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वैष्णव, मैं एक अलौकिक वैष्णव बनूंगा, आप सुनिए। Those who run away from me today will chant my glories and qualities tomorrow. जो मुझसे अभी दूर भाग गए हैं वही कल मेरे गुणों का गान करेंगे और मेरी महिमा गाएंगे। After speaking in this way, Nimai smiled and returned home with the students. इस प्रकार कहने से निमाई मुस्कुराते और घर अपने शिष्यों के साथ घर पे आते हैं। Who can understand these pastimes enjoyed by Lord Vishwambar unless reveals them? इन लीला को कौन समझ सकता है जो विश्वंबर जिसका आस्वादन करें? जब तक भगवान अपने आप को प्रकाशित नहीं करे तब तक कोई उन्हें समझ नहीं सकता। In this way, the devotees residing in Navdeep, which was filled with people intoxicated by wealth and children. इस प्रकार जो भक्त है नवद्वीप में निवास करते हैं, जो लोगों से भरा था, उन किस चीज़ का उनको नशा था? धन का और संतान का नशा था, भक्ति का नहीं था। केवल और खूब संतान पैदा करो और खूब धन कमाओ, वह यही उनके जीवन का उद्देश्य था और सांसारिक कर्म कांड में क्रिया में लगे रहते थे। As soon as such people heard the devotees कीर्तन, they taunted the devotees. जैसे ही लोग जो थे भक्तों के मुख से कीर्तन सुनते थे वो व्यंग करते थे। Someone said, this is just a means for filling their stomach. ये तो तरीका है केवल पेट भरने का।
लोग यही कहते हैं, जो नास्तिक बुद्धि वाले होते हैं, विरोधी होते हैं, वो यही कहते हैं ये पेट भरने का जरिया है। वास्तव में वैष्णव जो कीर्तन करते हैं वह भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और जो कलाकार करते हैं वो अपने पेट पूर्ति के लिए करते हैं। इसलिए कलाकार भले उनका स्वर बहुत अच्छा हो, और उनका स्वर और ताल सब कुछ अच्छे हो सकते हैं म्यूजिक के, लेकिन वो किसी के हृदय को स्पर्श नहीं कर सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते। परिवर्तित वही कर सकता जो भगवान के लिए करता है, भले उसका न स्वर है न ताल अच्छी न कंठ अच्छा है, लेकिन वो भाव से गाता है, प्रेम से गाता है, हृदय से प्रभु के लिए गाता है, इसलिए उसको कृपा मिलती, वो किसी का भी हृदय परिवर्तित कर सकता है। और अनदर सेड दे हैव गिवन अप द कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज टू डांस लाइक मैडमैन, कह के जिन्होंने ज्ञान का परित्याग कर दिया और पागलों की तरह नाचते, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इस बात का क्या व्यवहार, क्या व्यवहार का तरीका है? भैया ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञान वो है जो प्रभु की ओर ले जाए और प्रभु के चरणों में समर्पित कराए। वो ज्ञान किस काम का जो प्रभु की ओर शरणागत हमें होने ना दे, प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न ना कराए, उसको ज्ञानी, वो वास्तव में अज्ञान होता है जो प्रभु के पास जाने में सहायता नहीं करता और न समर्पण कराता है प्रभु के प्रति। क्योंकि ज्ञान का फल ही है हरि चरणों में प्रेम उत्पन्न होना। समवन एल्स सेड, आई हैव स्टडीड श्रीमद् भागवतम फॉर अ लॉन्ग टाइम बट आई नेवर फाउंड एनी मैंशन ऑफ डांसिंग एंड क्राइंग एज अ स्पिरिचुअल पाथ। किसी ने कहा कि मैंने भागवत तो बहुत लंबे समय पढ़ी है, लेकिन मैंने ये किधर पढ़ा ही नहीं, कोई नृत्य कर रहा है और कोई रो रहा है इस पथ पे, क्योंकि ये प्रेम की अवस्था होती है। प्रेम की अवस्था में ही अश्रु और नृत्य किया जाता है, बगैर प्रेम के कोई नाच नहीं सकता। My dear brother, because of Srivas and his three brothers, we cannot sleep after eating. कहते श्रीवास और उनके तीनों भाइयों की वजह से हम रोटी खा के सो नहीं सकते हैं। Is there no piety in softly chanting Krishna name? कहते भगवान का नाम धीरे धीरे जपो तो क्या उससे पुण्य नहीं मिलता है? Must one chant, dance and shout loudly? क्या हमको जोर से उच्चारण करना, नृत्य करना है और चिल्लाना है? इन दिस वे ऑल द सिनफुल एथीस अब्यूज द वैष्णवज व्हेनेवर दे सॉ देम। इसी प्रकार जितने भी नास्तिक लोग हैं वैष्णव को गालियां देते थे जब भी वो उनको देखते थे। हेयरिंग देयर अब्यूजिव वर्ड द डिवोटीज वर ग्रेटली डिस्ट्रेस, इनके शब्दों को सुन के जब वो निंदा आलोचना करते हैं भक्तों को बहुत ज़्यादा दुख होता है। देवु चैंट कृष्णा नेम एंड क्राइड लाउडली, वो लोग कृष्ण जी का नाम जपते हैं और आंसू बहाते हैं। हाउ लॉन्ग विल दिस मिजरेबल कंडीशन लास्ट, कब तक ये हमारी दुर्दशा बनी रहेगी? ओ कृष्ण चंद्र प्लीज मैनिफेस्ट योर सेल्फ टू दिस पीपल, ओ कृष्ण आप अपने आप को प्रकाशित करिए, विलाप करें प्रभु, प्रकाशित करिए, कब तक वैष्णव खिलिया उड़ा जाएंगी, कब तक उनकी इस प्रकार की दुर्दशा होगी? भक्तों का भाव ये होता है कि आप तो हरिनाम नहीं कर सकते, हमारा ऊंचा कीर्तन करने का अभिप्राय यह है कि आपके कानों में भगवान का नाम पड़ेगा और आपका भी मंगल होगा, आपका भी उद्धार होगा, तो हम आपके मंगल के लिए करते, हम अकेले में कर सकते, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप लोग कभी नाम जपने वाले नहीं हो तो आपके मंगल के लिए अमृत सब करते हैं, लेकिन जो नास्तिक बुद्धि वाले होते हैं वो उसे निंदा आलोचना करते हैं, गाली निकालते हैं, उन्हें इस बात को लेकर दुख लगता है। द वैष्णव ऑल टोल्ड अद्वैत प्रभु अबाउट द अब्यूजिव वर्ड्स ऑफ द एथिस्ट, सारे वैष्णव अद्वैत आचार्य के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं उनके भी किस प्रकार हमारी कि खिलिया उड़ाई जा रही, निंदा की जा रही, गाली निकाली जाती है।
Hearing this account, Advaita Charya became as angry as Lord Rudra and Lord Asklim. I will kill all of them. ये सुनते ही अद्वैता चार्य का क्रोध चढ़ गया जैसे शिवजी का क्रोध चढ़ता है और वो जोर से बोले मैं इनका वध सबका वध कर दूंगा क्योंकि कोई भी इंसान वैष्णव निंदा नहीं सुनना चाहता है वैष्णव निंदा सुनने से हमारा भजन खराब हो जाता है और हम प्रभु के क्रोध अग्नि में जल के भस्म हो जाएंगे अपनी निंदा सुनने में कोई दोष नहीं है लेकिन वैष्णव निंदा जहाँ पे होती वहाँ पे लड़ने में भी कोई दोष नहीं है या भगवान की निंदा हो तो वहाँ पे हमें लड़ाई करनी चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार देखो या तो उसका मुंह बंद करो या नहीं कुछ कर सकते हो तो उठ के चले जाओ नहीं तो गो हत्या का पाप लग जाता है जहाँ पे विष्णु की संत की और शिव की निंदा होती है वहाँ पे ऐसा विधान है कि या तो उसका कान बंद या तो उसका मुंह तोड़ दो जीभ काट दो या तो कान बंद करके उठ के निकल जाओ जो बैठ के सुनता से गो हत्या का पाप लगता है यही बात मानस के बालकांड में लिखी गई है और ये बात लंका कांड में भी आती है द लॉर्ड हु कैरीज अ चक्र इज कमिंग भगवान जिन जो हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए वो आ रहे हैं देन यू विल सी वॉट हैपन इन नदिया फिर आप देखोगे नदिया में क्या हो रहा है आई विल मेक कृष्णा अपियर बिफोर द आईज ऑफ ऑल मैं कृष्ण को सबके समक्ष उपस्थित करूंगा प्रकट करूंगा देन इज देन दिस नेम कॉल अद्वैत विल बी नोन एज द सर्वेंट ऑफ कृष्णा तब मेरा नाम अद्वैत साबित होगा कि मैं कृष्ण का दास हूं जब मैं कृष्ण को सबके समक्ष प्रकाशित करूंगा प्लीज वेट फॉर अ फ्यू मोर डेज माय डियर ब्रदर एंड यू विल सी कृष्णा राइट हियर कुछ दिन और प्रतीक्षा करिए मेरे भाइयों और आपको कृष्ण यहां पे ही दिखाई देंगे आफ्टर हियरिंग द वर्ड्स ऑफ अद्वैत ऑल द डिवोटीज फॉरगॉट देयर डिस्टेंस एंड बिगन कीर्तन अद्वैत आचार्य के शब्द सुनने के बाद सारे भक्त जो हैं अपने दुख को भूल गए और कीर्तन करना शुरू किया एज द ऑस्पिशियस साउंड ऑफ कृष्णा नेम अरोज जैसे कृष्ण का मंगलकारी नाम की ध्वनि बढ़ी अद्वैत एंड अदर डिवोटी बिकेम ओवरवेल्म्ड अद्वैत आचार्य अनेपक भाव में डूब जाते हैं द पेन कॉज बाय द एथीस अब्यूजिव वर्ड्स वर मिटिगेटेड एज द सिटी ऑफ नवदीप बिकेम फिल्ड विद एक्सटेसी तो जो उनको पीड़ा हुई थी नास्तिकों के अपशब्द सुनने के कारण गलत बात सुनने के कारण वो सब खत्म हो गई कि जब नवदीप में यानी कीर्तन के द्वारा सब भाव में भाव जब के अंदर जागृत हो गए तो मतलब वही है मैं बार बार कहता हूँ तकरीबन रोज ही कहता हूँ कि दुख तभी तक लगता है जब हम संसार का चिंतन करते हैं संसार की याद करते हैं लोगों की बातों का तब दुख लगता है अगर हम कृष्ण का कीर्तन करेंगे कृष्ण का चिंतन करेंगे मन कृष्ण में लगेगा तो दुख नहीं लगेगा अब कीर्तन में क्या सब उस पर भाव में डूब गए तो दुख भी समाप्त हो गए तो दुख हमें कौन दे रहा है हमें दुख हमारे बुरी आदतें दे रही है मन कृष्ण में लगाने के बजाय हम अपना मन संसार में लगा रहे हैं इसलिए हम दुखी हो रहे हैं द पेन हाँ अच्छा लॉर्ड विश्वंबर हैप्पीली पास डे इन स्टडी एंड ऑलवेज इनक्रीज द जॉय ऑफ मदर सची विश्वंबर जो हैं यानी महाप्रभु बड़े अपने खुशी से अपने सारे दिन पढ़ाई में बिताते हैं उनके कई दिन व्यतीत हुए पढ़ाई में और अपनी माँ की आनंद को का वर्धन किया इन द मीन टाइम श्री ईश्वरपुरी केम इन डिस्गाइज टू नवदीप उसी समय ईश्वरपुरी आ जाते हैं अपने वेश को छत्म मेरी वेश को छुपाते हुए नवदीप में आते हैं ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद लव फॉर कृष्णा उनके अंदर कृष्णा के भाव थे He was most merciful and dear to Lord Krishna. Yes, ईश्वरपुरी बहुत दयालु है और कृष्ण के अति प्रिय हैं क्योंकि भक्त के अंदर देवी गुण होते ही होते हैं और देवी गुण में क्षमा दया ये बहुत प्रधान होते हैं
परोपकार, सेवा, ये सारे वैष्णव गुणों के अंदर आते हैं, क्योंकि जो जितना भगवान का प्रिय होता है, जितनी भक्ति करता है, उसके अंदर उतनी मात्रा में सद्गुण विराजमान होते हैं। जिनका हृदय कठोर है, दया नहीं, क्षमा के भाव नहीं, परोपकार के भाव नहीं है, तो समझो उनकी भक्ति अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। Wearing that dress, no one could recognize him as he arrived by providence at the house of Advait. तो जो वस्त्र पहन के आए थे उन्हें कोई पहचान नहीं सका। By providence at the house, और भाग्य से वो अद्वैताचार्य के घर ही आ गए। He humbly sat down close to where Advait Prabhu was performing his puja. वो दीनता पूर्वक बैठ गए जहाँ पे अद्वैत आचार्य अपनी पूजा कर रहे थे। द एफल्जेंस ऑफ अ वैष्णव कैन नॉट बी हिडन फ्रॉम अनदर वैष्णव। वैष्णव का तेज जो है छिपा नहीं सकता, दूसरे वैष्णव तुरंत पहचान सकते हैं। यानी भक्त ही भक्त को पहचान सकता है, ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचान सकता है, और कर्मी कर्मी को पहचान सकता, उसी प्रकार भक्ति भक्त को पहचान सकता है। जो भक्त नहीं है वो नहीं पहचान सकेंगे भक्त को। The effulgence of a Vaishnava cannot be hidden from another Vaishnava. Vaishnava कहते हैं वैष्णव छिपा नहीं जा सकता। And therefore Advait Prabhu looked at him again and again. और Advait Prabhu उन्हें बार बार देख रहे हैं। ईश्वरपुरी replied, I am lower than a Shudra. ईश्वरपुरी क्या बोलते हैं, मैं शूद्र से भी गया गुजरा हूँ। मतलब कि भक्ति के अंदर इतनी ज़्यादा दैन्यता होती है कि वो अपने आप को अति तुच्छ ही मानते हैं। अब सबको अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि अपने आप को तुच्छ मानते हैं इसलिए उनके अंदर सहनशीलता होती है। हम सिर्फ मुंह से बोलते हैं हम आपके सेवक, हम तुच्छ दास है, लेकिन हृदय से मानते नहीं हैं। अगर मानेंगे तो किसी ने कुछ बोल दिया तो हमें जो क्रोध आ जाता, उत्तेजित हो जाते, इसका मतलब कि मैं अपने को तुच्छ नहीं मानता, मैं अपने को श्रेष्ठ मानता हूं, इससे मेरा अहंकार जागृत हो रहा है कि तू मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, तूने ऐसे कैसे मुझे सुना, मैं तेरे को और सुना के आऊंगा। भक्त कभी भी किसी से बदला लेता वो तो भजन करता ठीक है, जिसको जो बोलना बोले, कर न करे, व्यक्ति का निंदा सहन कर लेता है, लेकिन वैष्णव निंदा जहाँ होती वहां पे वो लड़ाई भी करता है। हम लोग अपनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ा भी हमें बोले हमसे क्रोध होता है, इसका मतलब कि मेरी भक्ति अभी बहुत कमजोर है। भक्त सबको अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, अपने आप को छोड़ के, हर हम अपने अलावा किसी को भक्त समझते नहीं है, हमारी प्रॉब्लम ये है। आई हैव कम हियर सिंपली टू सी योर लोटस फीट। मैं यहाँ पे आया हूँ केवल आपके चरण कमलों के दर्शन करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन मुकुंद बिगैन टू सिंग अ सॉन्ग अबाउट कृष्णा विद ग्रेट डिवोशन। परिस्थिति को समझते हुए मुकुंद जो थे उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया कृष्ण के विषय में बड़े भक्ति भाव से। एज द साउंड ऑफ मुकुंद सिंह एंटर द ईयर्स, जैसे ही मुकुंद की जो कीर्तन था कान में पड़ा, श्री ईश्वरपुरी फेल टू द ग्राउंड, ईश्वरपुरी मूर्छित हो जाते हैं। यानी जिसका अंतकरण जितना शुद्ध होता है उतना ही वो भगवान के नाम को लेके, कीर्तन को लेके, लीला को सुन के उतनी मात्रा में वो आकर्षित हो जाता है। ये तो अंतकरण की शुद्धि पर निर्भर करता है कि आप कितने आकर्षित हो रहे हो, कितने सामने वाले के वाक्य आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हैं। जिसका अंतकरण बहुत ज्यादा मैल है, उस अगर वो साधन करेगा, हरिनाम करेगा दीर्घ काल तक, लंबे समय, तो उसका भी हृदय कोमल होएगा, लेकिन समय लगता है। हम ऐसे लोग को जानते हैं जिनसे हरिनाम कराने में मुझे 3 साल लगा। हम कहते रहे करो, कहते हम नहीं करेंगे, और चिड़चिड़े, वैर, विरोध, गुस्सा, हर वक्त चढ़ा रहता सिर पे।
तीन साल कथा सुनने के बाद जब उनके पाप थोड़े कम हुए, नाम जपने की रुचि उत्पन्न हुई और जब से नाम जपना शुरू किया, स्वभाव बहुत ज्यादा परिवर्तित हो चुका है। लेकिन उसको 3 साल कम से कम लगे मुझे इस स्थिति को शुरू करने के लिए। तो आसान नहीं है किसके कौन से पाप प्रबल होते हैं कि वो नाम नहीं जप सकता। ये पाप की प्रबलता ही होती है, कुछ नहीं होता, वैर विरोध होता है। मनुष्य के हृदय में अपराध होते हैं, अपराध के कारण जीव हरि नाम नहीं ले सकता। इसलिए वैष्णव के मुख से कथा सुनने से पाप क्षीण होते हैं, तब जाके हरि नाम मुख से निकलना शुरू होता है। इंसेसेंट टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हिज आईज एंड द वेव्स ऑफ हिज लोटस ऑफ हिज लव इंक्रीज अगेन एंड अगेन। उनके आंखों से निरंतर अश्रु धारा बह रहे थे और जो प्रेम की तरंग है बढ़ती जा रही थी। अद्वैत प्रभु हेस्टली टुक टाइम टुक हिम इन हिज आर्म्स। अद्वैत प्रभु ने उसे शीघ्र अपने भुजाओं में ले लिया एंड हिज एंटायर बॉडी बिकेम वेट विद टीयर्स। और उनके जो शरीर हैं आंसू से गीले हो गए। द सिम्टम्स ऑफ एक्सटेस्टिक लव कंटिन्यू टू इंक्रीज रेदर देन डिमिनिश एज मुकुंड बिगैन टू लाउडली रिसाइट एप्रोप्रियट वर्सेस। जैसे मुकुंड श्लोकों का उच्चारण करते थे उस हिसाब से उनके जो भाव जो थे प्रेम के बढ़ते ही गए, बढ़ते गए घटने के बजाय। द वैष्णव हार्ट्स वर फिल्ड विद इनकम्पेरेबल हैप्पीनेस। वैष्णवों का जो हृदय था जो बैठे थे आनंद से भर गया। एज दे सॉ देयर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल लव। जब उन्होंने देखा कि उनके शरीर में प्रेम के सारे लक्षण उपस्थित हो रहे हैं, सबको आनंद की प्राप्ति हुई। लेटर वेन दे लर्न डेट ही वॉज ईश्वरपुरी द डिवोटीज ऑल रिमेंबर लॉर्ड हरि। जब उन्हें बाद में पता चले तो ईश्वरपुरी हैं सारे भक्त जो हैं, उनको हरि की स्मृति यानी उत्तम भक्त के दर्शन करने मात्र से ही हरि की याद आ जाती है। जैसे हमें किसी ने कह दिया कि अयोध्या जी मृत्यु हो गई है किसी घर में, आप उसको अच्छी तरह से जानते हो, जानने के बाद आपने सुना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब आप उसे घर में जाते हो सब विलाप कर रहे होते हैं, उनको देखने मात्र से आपके आंखों में भी आंसू आ जाता। क्यों भैया, जब घर में तब आंसू क्यों नहीं आया, उधर जा क्यों आया? क्योंकि सब रो रहे थे, विलाप दिल से हृदय से रो रहे थे, इसलिए हमके हमारे आंख में आंसू आए। तो अगर वो एक संसारिक वस्तु के लिए रोते हैं तो आपकी आंखों में आंसू हो आ सकते हैं। ये ऐसी बीमारी छुआछूत की है, जो प्रभु के प्रेम में डूबेगा और वो रोएगा या प्रेम वियोग का विरह की अनुभूति करेगा, क्या वो अन्य सबके अंदर प्रेम नहीं वितरण कर सकता? उसके दर्शन मात्र से प्रेम उजागर नहीं होएगा? इसका मतलब कि हमारे अंदर प्रेम का अभाव है, इसलिए हम दूसरों के अंदर जागृत नहीं कर पा रहे प्रेम को। इसका मतलब हमारी साधना में कमी है, नहीं तो क्यों नहीं हमारे दर्शन करने मात्र से उसके आंखों में आंसू आते? प्रेम और खुशी की लहरें क्यों नहीं जागृत होती है जैसे महापुरुषों की होती है? इसका मतलब सबको खूब हरि नाम करना है उस प्रेम की अवस्था में पहुंचने के लिए। इन दिस वे एज ईश्वरपुरी वंडर अबाउट नवदीप इन डिसगाइज नो वन वाज एबल टू रिकॉग्नाइज हिम। इसी प्रकार ईश्वरपुरी घूम रहे थे अपने वेश को छुपाए हुए, उन्हें कोई पहचान नहीं पा रहा था। वन डे एज श्री गौर सुंदर वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल। एक दिन गौर सुंदर घर आ रहे थे महाप्रभु अपने विद्यालय से। बाई प्रोविडेंस ही मैं श्री ईश्वरपुरी, भाग्य से उन्हें ईश्वरपुरी के दर्शन हुए। Seeing his eternal servant, the Lord offered him obeisances. अपने सेवक को देख के भगवान ने उन्हें प्रणाम किया कि भाई ये मेरा सेवक है, नित्य का सेवक है। विशंबर पर्सनल ब्यूटी वॉज इनडिस्क्राइबल। विशंबरी महाप्रभु की जो सुंदरता है वो अवर्णनीय, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। उनका नाम विशंबर इसलिए है क्योंकि विश्व का भरण पोषण भगवान ही करते हैं, इससे उनका नाम है विश्वंभर। जीव किसी को नहीं खिलाता, भगवान ही किसी अपने भक्त के माध्यम से
जीव का भरण पोषण करते हैं, इसलिए उनका नाम है विश्वंभर। ही वॉज दी रिजर्वायर ऑफ ऑल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज, और महाप्रभु के अंदर सारे अलौकिक गुण थे। ऑल द पीपल डिड नॉट नो ही रियल आइडेंटिटी, लोग भले उनके वास्तविक स्वरूप को न जान सके, दे नेवरदलेस हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन उनके हृदय में महाप्रभु के प्रति आदर के भाव थे। When Ishwarpuri saw Nimai's features, जब Ishwarpuri ने Nimai के लक्षण को देखा, he could understand that Nimai was a most grave and exalted personality. उनको लगा Nimai जो है, यानी महाप्रभु जो हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर और महान कोई बंदे हैं। कोई सिद्ध महापुरुष है। ईश्वरपुरी इंक्वायर्ड ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण, व्हाट इज योर नेम? ईश्वरपुरी पूछते हैं ब्राह्मणों में से आपका नाम क्या है? व्हाट आर यू स्टडिंग एंड टीचिंग, आप क्या पढ़ रहे हो और पढ़ाते हो? एंड वेयर डू यू, आप कहाँ पे रहते हो? व्हेन द अदर्स रिप्लाइड ही इज Nimai पंडित, उनके साथी ने जवाब दिया इनका हम Nimai पंडित है। ईश्वरपुरी जॉयफुली सेड सो यू आर Nimai, ईश्वरपुरी को खुशी और कहते आप ही Nimai हो। The Lord invited Ishwarpuri for lunch and then respectfully brought him home. भगवान ईश्वरपुरी को अपने घर में दोपहर के भोजन के लिए बुलाते हैं, निमंत्रित देते हैं और बड़े आदरपूर्वक उन्हें घर लेके आते हैं। Mother Sachi prepared an offering for Krishna. माँ सची जो है कृष्ण को भेंट अर्पण करती है, प्रसाद अर्पण करती है। एंड आफ्टर ऑर्निंग द प्रसाद ईश्वरपुरी सैट इन द टेम्पल रूम, और प्रसाद का सेवन करने के बाद ईश्वरपुरी मंदिर में जाके बैठ गए। देयर आफ्टर ईश्वरपुरी बिकेम फुली ऑब्जॉर्ब वाइल डिस्क्राइबिंग टॉपिक्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, उसके बाद ईश्वरपुरी पूरी तरह से मग्न हो गए और कृष्ण की लीला को गुणगान करते हुए। The Lord was satisfied to see his unprecedented symptoms of love. भगवान को बहुत आनंद और तृप्ति उनके प्रेम को देखते, ईश्वरपुरी के अंदर क्या भाव और प्रेम है, which did not normally manifest due to people misfortunate position, और वो आम इंसान के सामने प्रकट नहीं करते क्योंकि लोग अभाग्य हैं, क्योंकि लोग प्रभु से विमुख हैं, विष्णु से विमुख हैं, वैष्णवों की निंदा करते हैं, इसलिए उनके सामने वो भाव प्रकट नहीं किए जाते। ईश्वरपुरी स्टेड फॉर अ फ्यू मंथ्स एट नवदीप एट द होम ऑफ श्री गोपीनाथ आचार्य, ईश्वरपुरी कुछ महीनों के लिए रहते हैं नवदीप पे गोपीनाथ आचार्य के घर में। एवरीवन वाज ओवरजॉयड to see him and the Lord would also regularly go to visit him. सभी को आनंद की प्राप्ति ही उनके दर्शन से, ईश्वरपुरी के दर्शन से, और स्वयं महाप्रभु भी उनके दर्शनों के लिए जाने लगे। Seeing Gadadhar Pandit's tear of love, all the Vaishnav felt great affection for him. गदाधर पंडित के आँखों में आंसू देके सारे वैष्णवों के हृदय में उनके प्रति प्रेम यानी आसक्ति जागृत हुई। एज ही वर डिटैच फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ इन चाइल्डहुड, ईश्वरपुरी ऑल्सो फेल्ट सिमिलर अफेक्शन फॉर हिम, क्योंकि वो बचपन से ही वो अनासक्त थे, किधर उनकी आसक्ति थी ईश्वरपुरी की। ईश्वरपुरी इस भी उनके प्रति स्नेह उत्पन्न हो गया गदाधर के प्रति। Here Gadadhar Pandit study a book that he had written named Krishna Leela Amrit. उन्हें गदाधर पंडित से कोई किताब दी थी जो उन्हें स्वयं लिखी थी, उस किताब का नाम है कृष्ण लीला अमृत। After studying and teaching, the Lord went in the evening to offer his obeisances to Ishwarpuri. पढ़ने के बाद और सिखाने के बाद
प्रभु कहाँ जाते हैं? शाम के समय ईश्वरपुरी को प्रणाम करने जाते हैं। Ishapuri was happy to see Nimai, and although he did not know him as the Supreme Lord, Ishapuri जो थे निमाई को देख के प्रसन्न होते, वो ये जान नहीं पाए कि वो ईश्वर हैं। He still had love for him, उन्हें फिर भी उनके प्रति प्रेम था। ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है, क्योंकि ईश्वरपुरी प्रेमी भक्त हैं, हर वक्त प्रभु के नाम कीर्तन में मग्न रहते हैं, भाव में रहते हैं। भगवान उनके दर्शन करने जाते हैं, वो भगवान के दर्शन करने नहीं आते। इसलिए कहते हैं जहां पे भी प्रेम पूरक कथा कीर्तन होता है, लीला का गान होता है, उधर भगवान उपस्थित होते, वो स्थान वृंदावन बन जाता है। क्योंकि जहां पे कृष्ण होंगे वो वृंदावन है, माइनस कृष्ण वृंदावन कोई है ही नहीं। कृष्ण को जीवन से हटा दो तो वृंदावन कहां है? वृंदावन क्यों है? क्योंकि कृष्ण आया लीला, किससे वृंदावन है? क्योंकि कृष्ण नहीं तो वो वृंदावन है। जहां पे भी कृष्ण प्रकट होंगे, उपस्थित होंगे, वो स्थान वृंदावन बन जाता है। तो आप हर वक्त कृष्ण के भक्ति में मग्न रहिए, लीला में मग्न रहिए, तो आपका हृदय वृंदावन बन जाता है, वो स्थान वो घर वृंदावन बन जाता है। फिर तो समस्या नहीं, फिर आप संसार में किधर भी रहो कोई समस्या नहीं, क्योंकि आप वृंदावन में ही हो, वृंदावन से बाहर कभी हो ही नहीं सकते। इसे तो हमारे भक्ति सरस्वती ठाकुर रूपा जी ने कहा कि मैं वो तो उनको जब उनके गुरु जी ने कहा कि आप मायापुर का त्याग मत करिए, आप कली के स्थान पे मत रहिए कलकत्ता में, वो तो भाव में रहते थे हर वक्त, वृक्ष के भाव में, महाप्रभु के भाव में। तो वो कहते हैं मैं कभी ज्ञानी मायापुर से बाहर, मतलब कि मनुष्य का मन जिधर होता है, जिसका वो चिंतन करता है, जिसके प्रति उसकी आसक्ति होती है, तो वो उसी स्थान पे वास्तव में रहने का फल उसे प्राप्त होता है। वो स्थान मायापुर बन जाता है और वही स्थान वृंदावन बन जाता है। तो प्रभु यहां पे स्वयं आ रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए, वो प्रभु के पास नहीं जा रहे दर्शन करने के लिए। Ishwarpuri was happy to see Nimai, and though he did not know him as the Supreme Lord, he still loved for him. Ishwarpuri बहुत खुश होते हैं Nimai के दर्शन करके, वो ये नहीं समझ पाए कि वो भगवान है, लेकिन उनके पति उनका स्नेह था। Ishwarpuri smiled and said, "You are a big scholar." Ishwarpuri मुस्कुराते कहते हैं आप तो बहुत बड़े विद्वान हो। I have written a book about the characteristics of Lord Krishna. मैंने एक पुस्तक लिखी है कृष्ण के लीलाओं के विषय में। It would be most satisfied if you could tell me if there is any fault in it. मुझे बहुत ज़्यादा तृप्ति होगी अगर आप कहोगे कि इस पर कोई गलती है तो उसको हम सुधार सकते हैं। The Lord replied, Whoever finds fault in a devoted description of Lord Krishna is a sinful person. भगवान क्या बोलते हैं महाप्रभु, जो भी दोष देखता है भक्त के अंदर, जो कृष्ण की लीला का गुणगान करता है, वो पापी इंसान है। कृष्णा इज सर्टनली प्लीज विद द डिवोटीज पोएट्री। कृष्ण जो है अपने भक्त की कविता से प्रसन्न होते हैं। इवन दो इट इज इम्परफेक्टली कंपोज, भले उसमें कोई त्रुटियां भी रहे तो भी भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्त ने अपने भाव से भगवान की लीला का गुणगान किया है। हमारे प्रभु भावग्राही है, हमारे प्रभु बुद्धि नहीं चलाते हैं। अगर बुद्धि चलाएंगे तो शिव जी भी फेल हो जाएंगे, ब्रह्मा जी भी फेल हो जाएंगे, सरस्वती भी फेल हो जाएगी, कोई भी पास नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु का अशेष नाग भी प्रभु का गुणगान नहीं कर सकते अगर प्रभु बुद्धि चलाए तो। जिस प्रकार माता अपने बच्चे की तोतली भाषा सुन के आनंदित होती है, हमारे प्रभु भी भक्तों के भाव को देख के आनंदित होते हैं। इससे हमारे प्रभु भाव प्रिय है, बुद्धि प्रिय नहीं है, भाव प्रिय। बुद्धि हो या ना हो, कोई बच्चों को क्या बुद्धि होती है, लेकिन जो तोतली बात भाषा में बात करता है माँ उसके भाव से प्रभावित होती है। तो हमारे प्रभु भी भक्त के तोतली भाषा से जो भी वो बोलता है लिखता से प्रभावित होते हैं। क्योंकि दोष दर्शन करना और उसकी निंदा करना तो हम नर्क में जाएंगे।
An uneducated person may chant Vishnaya, while a sober person will chant the proper form Vishnave. यानी जो इंसान जिसको ज्ञान नहीं है वो क्या बोलेगा, विष्णय, विष्णय नहीं होता है, विष्णवे होता है, और जो पढ़ा लिखा होगा वो विष्णवे बोलेगा. बट द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा विल एक्सेप्ट बोथ फॉर्म्स व्हेन दे आर चैंटेड विद डिवोशन. अगर भक्ति से किया गया उच्चारण तो प्रभु विष्णय भी ग्रहण कर लेते हैं, भले उच्चारण बराबर ना हो लेकिन भक्ति भाव से किया गया उसका फल पूर्ण मिलता है. और अगर सही उच्चारण भी हुआ और भाव नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है. एट द टाइम ऑफ ऑफरिंग ऑब्लिगेशंस टू लॉर्ड विष्णु, भगवान को प्रणाम करने के समय आ फूलिश पर्सन चैंट विष्णाय नमः. जो मूर्ख होता है वो क्या बोलता है, विष्णाय नमः, जबकि बोलना चाहिए विष्णवे नमः. एंड द लर्नेड पर्सन चैंट विष्णवे नमः, जो पढ़ा लिखा होता है वो क्या बोलता है, विष्णवे नमः. बट बोथ अचीव इक्वल पाइटी बाय द ऑफरिंग ऑफ ऑब्लिगेशंस, क्योंकि दोनों प्रणाम करे हैं इससे दोनों को पूर्ण पुण्य प्राप्ति होती है. बिकॉज लॉर्ड श्री जनार्दन सी द सेंटिमेंट्स ऑफ द लिविंग बींग, क्योंकि जनार्दन जो है यानी कृष्ण जो है भक्त के भाव को देखते हैं कि भाव से वो उच्चारण कर रहे हैं. इन अदर वर्ड ही सी द डिग्री ऑफ डिवोशन, कि भक्ति का स्तर क्या है उस चीज को देखते हैं. और इन अदर वर्ड ही अवॉज द रिजल्ट अकॉर्डिंगली, या दूसरे भाषा में कहो कि वो भक्ति भाव के अनुसार उसे फल प्रदान करते हैं. ये डनस ही वन फुलिशनेस और इंटेलिजेंस, वो मूर्खता या किसी की बुद्धि को नहीं देखते, भक्ति को देखते हैं, कितने प्रेम से तुमने उच्चारण किया, कितने भाव से किया. बस हमारे प्रभु का वही काम है. और जितना भाव ज़्यादा होगा उतनी कृपा ज़्यादा होगी, उतनी आपको प्रभु का प्रेम ज़्यादा प्राप्त होगा. One who finds fault with a devotee is himself at fault. जो कोई भक्त में दोष देखता है वो स्वयं दोषी है. For a devotee description are meant only for the pleasure of Krishna. क्योंकि भक्त जो भी वर्णन करता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता है, इसलिए जो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है उस पर दोष देखने से आपको आपका पतन हो जाएगा. हाँ, कलाकार में आप देख सकते हो ये उच्चारण नहीं था, ये म्यूजिक बराबर नहीं था, वो तबला बराबर नहीं था, उस पर कोई दोष नहीं है. जो प्रोफेशनल होते हैं, जो कला प्रदर्शन करने के लिए करते हैं, उनकी बात अलग होती है. लेकिन भक्त जब करता है चाहे हजारों दोष भी हो, उसका उच्चारण, उसका जो बोलने का तरीका, यह हर बराबर, क्योंकि उसने भाव से किया, प्रेम से, इसलिए उस पर कोई दोष नहीं देखना चाहिए, ना उसकी कोई निंदा करनी चाहिए. Therefore, who will dare find fault with your devotional descriptions of Lord Krishna? तो किसका साहस है आपके जो भक्ति भाव से लिखे हुए ग्रंथ में दोष निकालने का? Here Nimai reply was like a shower of nectar on the body of Ishwarpuri. Nimai के शब्द सुन के ऐसा लगा कि अमृत की वर्षा हो रही है उनके शरीर पे, उनको ऐसा महसूस हुआ. He then smiled and said, वो मुस्कुराए और कहा, You will not be at fault, but you must tell me if there is any error in the book. तो कहते आपको कोई दोष लगेगा, लेकिन आप फिर भी मुझे कहिए कि इसमें क्या गलती है किताब के अंदर. Thereafter, Nimai would daily sit with Ishwarpuri for 1 or 2 hours to discuss this book. तो महाप्रभु जो थे रोज उनके साथ 1-2 घंटे बैठते थे और ग्रंथ की चर्चा करते थे. After hearing his poetry, one day the Lord smiled and said, उनकी जो कृष्ण लीला अमृत कविता सुनने के बाद प्रभु मुस्कुराए और कहते हैं, the verb root of this sentence is incorrect. ये जो verb है क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? क्रिया. ये क्रिया है, ये बराबर नहीं है. The atmapedi form should not be used. ये atmapedi नहीं लिखना चाहिए ऐसे. After saying this, the Lord returned home. ये कह के भगवान घर चले गए.
ईशापुरी वॉज अ लर्न स्कॉलर इन द स्क्रिप्चर. ईशापुरी जो थे वह शास्त्र के विद्वान थे एंड ही इंजॉयड एनालाइजिंग स्कॉलिस्टिक टॉपिक्स और उसका विश्लेषण करने में उन्हें बड़ा आनंद आता था कि भाई जो बताए वो ऐसा है वैसा है क्या गलती है. After Nimai left, Ishapuri considered a verb root that he had used and came to a conclusion from many different angles. तो उस शब्द को जो महाप्रभु ने कहा था आत्मपेदी को कई दृष्टियों से उन्होंने देखा उसका विशेषण किया. He left a verb in his आत्मपेदी form and when Nimai came the next day, उन्हें उसको ऐसे छोड़ दिया आत्मपेदी के रूप में. जब Nimai पंडित अगले दिन आते हैं He explained, I have concluded that the verb that you said yesterday should be parasmaipadi, should remain atmapedi. तो उन्हें कहा कि जो आपने कल जो शब्द कहा था कि पारसमयपदी होना चाहिए तो वह आत्मपेदी ही होना चाहिए. When the Lord heard his explanation, भगवान ने इसकी व्याख्या सुनी क्योंकि इन्होंने कई दृष्टियों से देखा था और बहुत शास्त्र के ज्ञाता थे. तो भगवान ने इनको कहेगा कि आत्मपेदी के बल परस्पर पेदी बोलो. तो उन्होंने कहा कि नहीं यही होना चाहिए. When the Lord heard his explanation, he was most satisfied with his servant's victory and he did not find any further fault. उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरा सेवक की विजय हुई. प्रभु को अपने भक्तों से हारने में ही आनंद की प्राप्ति होती है और फिर उन्होंने कुछ पे कोई दोष नहीं देखा. द वेदास डिक्लेयर दैट द लॉर्ड बाय नेचर ऑलवेज एक्सपेंड डिवोटीज ग्लोरी बाय मेकिंग देम विक्टोरियस. वेद कहते हैं भगवान क्या करते हैं अपने भक्तों की महिमा का विस्तार करते हैं उसकी महिमा को बढ़ाते हैं उसे विजय दिला के. जो भक्त को जो विजय प्राप्त होती है सफलता मिलती है ये प्रभु की कृपा ही होती है वास्तव में और कुछ नहीं होती है. प्रभु की कृपा से क्योंकि प्रभु को अपने भक्त को यश देने में बड़ा आनंद आता है. इन दिस वे ईशापुरी पास्ट अ फ्यू मंथ्स इन जन स्कॉलिस्टिक पास्टम विद श्री गौरचंद्र. इस प्रकार ईशापुरी ने कुछ महीने व्यतीत किए और वार्तालाप करते हुए महाप्रभु के साथ. ईशापुरी हावर वो नॉट रिमेन इन वन प्लेस ड्यू टू दी रेस्ट नेचर ऑफ एक्सटेटेड लव. ईशापुरी कभी भी एक स्थान पे नहीं रहते थे क्योंकि उनका जो मन था चंचल था प्रेम के कारण. ही डस्ट वेंट आउट ऑन पिलग्रिमेज टू प्योरीफाई द अर्थ. वो जाते थे तीर्थों में इस धरती को पावन क्योंकि जहाँ भी भक्तों के चरण पड़ते हैं वो स्थान वास्तव में पवित्र हो जाता है. कहते लोग तीर्थों में जाते हैं तीर्थों में जाके क्या करते हैं अपने पाप तीर्थों में छोड़ के आते हैं. फिर तीर्थों का उद्धार कैसे होगा. ईशापुरी और मादेन्द्रपुरी जैसे नामनिष्ठ भक्त जब जाते हैं वहाँ पे शुद्ध भक्त जाते हैं उनके स्पर्श करने मात्र तीर्थ वापस पुनः अपनी ओरिजिनल स्थिति पे आ जाते हैं. जो के पाप होते वो सब साफ हो जाते हैं वहाँ पे. तो सोचो हरि नाम की कितनी कृष्ण भक्ति की महिमा कितनी ज़्यादा है नाम की कितनी महिमा है. जो तीर्थ में हम पाप छोड़ के आते हैं ईश्वरपुरी जैसे भक्तों का आवागमन ही वो तीर्थों को वापस अपनी ओरिजिनल स्थिति पे ले आता है. Whoever hears the auspicious topic about Sri Ishwarpuri lives at the lotus feet of Lord Krishna. जो कोई ईश्वरपुरी के विषय के बारे में सुनता है वो कृष्ण के चरणों में रहता है. श्री मादेन्द्रपुरी हैप्पीली गेव दी कंप्लीट ट्रेजर ऑफ हिज एक्सटेटेड लव टू श्री ईश्वरपुरी. मादेन्द्रपुरी ने जो इनके गुरु थे ईश्वरपुरी के उन्होंने अपना पूर्ण प्रेम अपने शिष्य ईश्वरपुरी को अर्पण किया. By the mercy of Krishna, Sri Ishwarpuri obtained love of God from his spiritual master. Krishna की कृपा से Ishwarpuri को जो प्रेम प्राप्त हुआ वो अपने गुरु से मिला. So he traveled free from all anxieties. जब इंसान भगवान के प्रेम में मग्न रहता है तो उसे संसार की कोई चिंताएं नहीं रहती. तब प्रभु को उनकी चिंता होती उनका भरण पोषण पालन रक्षण प्रभु को चिंता होती. भक्त तो प्रेम में घूमता है आनंद में उनके गुणगान करते हुए उन्हें कोई चिंता नहीं होती.
क्योंकि हमें प्रभु पे विश्वास नहीं, हम प्रभु पर निर्भर नहीं है, इसी कारण से हम हमेशा चिंतित रहते हैं, हम अपनी बुद्धि बड़ी चलाते हैं प्रभु के प्रसन्नगत होने के बजाय, इसलिए हमको चिंता रहती है और हम रोगी हो जाते हैं। इसलिए जब हमारा भजन जब बढ़ता है, अधिक हरि नाम करोगे, अधिक कथा सुनोगे, तो धीरे धीरे भगवान पर निर्भरता भी तो बढ़ेगी, तभी तो चिंता से मुक्त होगे। भक्त चिंता नहीं करते हैं, वो तो छोड़ दे, जो होएगा भगवान करेंगे, मेरी बुद्धि नहीं चलानी, जो भगवान की कृपा होगी, इच्छा होगी, वो होएगा। इससे भक्त निश्चिंत रहते हैं, इससे उनका शरीर स्वस्थ भी रहता है, और दूसरे जो रहते हैं वो रोगी रहते हैं, क्योंकि चिंता करते करते रोग घेर लेता है और फिर बीमार हो जाते हैं। इसलिए अधिक भजन करने से हम भगवान पर निर्भर होते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहना शुरू हो जाता है। फिर एक्सेप्टिंग श्री चैतन्य एंड नित्यानंद प्रभु एज माई लाइफ एंड सोल, महाप्रभु नित्यानंद को अपने प्राण और आत्मा मानते हुए, आई वृंदावन दास सिंग द ग्लोरीज ऑफ द लोटस, मैं वृंदावन दास उनके गुणों का गान करता हूँ। The Lord wandering through Navdeep, भगवान जो है नवदीप में भ्रमण कर रहे हैं। All glories to महाप्रभु श्री गौर सुंदर, महाप्रभु की जय जयकार हो। All glories to the followers of the Lord, उनके सेवकों की जय जयकार हो। In this way श्री गौर सुंदर with book in hand always enjoyed pastime in Navdeep, इसी प्रकार गौर सुंदर उनके हाथ में किताब है और लीला का आस्वादन करें नवदीप के अंदर। ही चैलेंज एनी टीचर ही वुड, कोई भी अध्यापक मिलता उसको चुनौती देते, बट नन ऑफ देम हैड द पावर टू डिफीट हिम, किसी में क्षमता नहीं है महाप्रभु को पराजित करने की। ऑल्दो ही वॉज सिंपली अ स्टूडेंट ऑफ ग्रामर, वो केवल व्याकरण के शिष्य थे, ही नेवर कंसिडर द लर्नड भट्टाचार्य टू बी एज इनसिग्निफिकेंट एज ग्रास, फिर भी जो बड़े बड़े भट्टाचार्य होते, जो बहुत विद्वान होते, उनको वो तुच्छ ही मानते थे। यानी इस तरीके से प्रभु सबके अभिमान को चोर करने हैं, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों के अंदर कोई बात का अभिमान नहीं रखते, इवन विद्या का अभिमान भी नहीं रहने देंगे, उसको भी चोर चोर करेंगे। तो ये तरीका कृपा देने के पहले तो अभिमान तो चूर्ण करना पड़ेगा ना, तभी तो मेरी बात सुनेंगे, तभी तो उनको मेरे प्रति श्रद्धा होगी। ये जो विद्वान बन के घूम रहे हैं, सबको हरा रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य एक ही है कि इन सब के अहम का नाश हो, ये मेरे प्रति श्रद्धा रखे, मुझे श्रेष्ठ माने, क्योंकि तो फिर मैं इनको करूँ कि हरे कृष्ण का जाप करो, तभी सब मानेंगे। The self-satisfied Lord traveled through Navdeep along with his most fortunate students, जो अपने आप में तृप्त रहते हैं वही प्रभु नवदीप पे विचरण करे हैं अपने भाग्यशाली शिष्यों के साथ। One day by providence the Lord met Mukund on the road, भाग्य से एक दिन प्रभु मुकुंद को सड़क में मिल गए। The Lord held Mukund's hand and spoke to him, भगवान ने मुकुंद के हाथ को पकड़ा और कहा, Why do you run away as soon as you see me? जब भी आप मेरे दर्शन करते हो मुझे देख के क्यों भाग जाते हो? Let me see how you run away today without answering me. मैं आज देखना चाहता हूँ आप कैसे मुझसे दूर भागोगे मेरे प्रश्न का जवाब दिए बगैर। मुकुंद thought, How will I defeat him today? मुकुंद ने कहा, मैं उन्हें कैसे पराजित करूँगा आज? He's well versed only in grammar. उसको तो केवल व्याकरण आता है। I shall defeat him with question on alankar. मैं अलंकार के विषय में प्रश्न करूंगा तो पराजित करूंगा। Then he may not again display pride before me. फिर वो अपना अभिमान मेरे सामने शायद प्रकट न करे, इस प्रकार मुकुंद सोच रहे हैं। Thereafter मुकुंद began to ask the Lord questions. फिर मुकुंद ने प्रभु से प्रश्न पूछने शुरू किए। Whatever मुकुंद established, the Lord would refuse. जो कुछ मुकुंद कहते महाप्रभु ने काट देते। मुकुंद से ग्रामर इज स्टडीड ओनली बाय चिल्ड्रन, मुकुंद कहते हैं व्याकरण तो बच्चे पढ़ते हैं। टुडे वी शुड डिस्कस अलंकार, आज हमें अलंकार को लेकर चर्चा करनी है। द लॉर्ड रिप्लाइज एज यू डिजायर, कहते जैसे तेरी इच्छा। मुकुंद देन रेड सम ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट येट वेल नोन वर्स एंड आस्क्ड द लॉर्ड टू पॉइंट आउट एनी फॉल्ट्स। मुकुंद ने कुछ कठिन श्लोकों को पढ़ा और जो श्लोक काफी लोग जानते भी थे, और उनसे कहा कि इस पे आप दोष बताइए।
The omnipotent Lord God Sundar then pointed out various faults in the verses. तो जो भगवान जो सर्वशक्तिमान है गौर सुंदर उन्हें क्या क्या उनमें उन्हें कई दोष बताए. मुकुंद was unable to reestablish what the Lord had refuted. मुकुंद जो है उसकी पुनर्स्थापना नहीं कर सके जो उन्होंने बात उनकी काटी थी. The Lord then smiled and said, भगवान फिर मुस्कुरा कहते हैं, Go home from for today and study your books carefully. आज अब घर जाइए और अपनी किताबों को पढ़िए ध्यान से. Come early tomorrow and we shall discuss further. कल आप आइए और हम फिर चर्चा करेंगे. After Mukund took the dust from Nimai's feet and departed, he thought, Mukund उनके चरणों की धूल को धारण करते हैं अपने सर पे और जाते हैं और सोचते हैं, An ordinary man cannot possess such knowledge. आम इंसान में इतनी विद्या हो ही नहीं सकती, इतना ज्ञान हो ही नहीं सकता. There is no literature that he is not conversant with. ऐसा कोई विषय नहीं जिसके बारे में इसे ज्ञान नहीं है. If such an intelligent person was a devotee of Krishna, अगर ऐसा बुद्धिमान इंसान कृष्ण का भक्त बन जाए, then I would not leave association for even a moment. मैं ऐसे लोगों का संग एक क्षण के लिए भी ना छोड़ू. यानी भक्तों का संग हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग से में ही कृष्ण कथा सुनने को मिलती है, उसी से जीव का उद्धार होता है. विश्व का संग कभी मत करो, जो विमुख है उनका संग मत करो, लेकिन भक्तों का संग ना छोड़ो. In this way, the Lord of Vaikunth enjoyed the life of a scholar. इस प्रकार जो वैकुंठ के पति हैं, ईश्वर हैं, अपनी विद्वता का आस्वादन करें. One day while wandering about Navdeep, Nimai met Gadadhar. एक बार नवदीप में विचरण करते हुए निमाई जो है गदाधर से मिले. The Lord smiled as he caught Gadadhar's hand and said, भगवान मुस्कुराए गदाधर का हाथ पकड़ते हुए, Are you studying logic? क्या आप न्याय को नहीं पढ़ती हो? Come, let us debate. आओ हम उसके बारे में तर्क करें. गदाधर said, So question me. गदाधर ने कहा, आप मुझसे प्रश्न करिए. And Nimai asked, What are the symptoms of liberation? उन्हें कहा कि मुक्ति के लक्षण क्या है. गदाधर then explained the symptoms of liberation according to the scriptures. गदाधर ने मुक्ति के लक्षण क्या है शास्त्र के अनुसार कहे. पर निमाई काउंटर्ड, यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन प्रॉपरली. और निमाई ने कहा, आपको तो व्याख्या करनी नहीं आती बराबर. गदाधर देन सेड, लिबरेशन इज फ्रीडम फ्रॉम मिजरी. गदाधर ने कहा, क्या मुक्ति का मतलब कि दुखों से मुक्त होना, रहित होना. दिस इज द मीनिंग ऑफ लिबरेशन अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर. शास्त्र के अनुसार तो उसका यही अर्थ होता है कि दुखों से मुक्त होना. Then the Lord, who is the husband of Goddess Saraswati, जो सरस्वती के पति हैं, pointed out various faults in his statement. बहुत से दोष उनके इस लाइन में उन्होंने निकाले. There was no one who could defeat his argument and silence him. ऐसा कोई मनुष्य नहीं था जो उनके साथ तर्क करके उन्हें पराजित कर सके. No one even dared to speak without किसी की हिम्मत ही नहीं कि भगवान से बात करने की. And thus Gadadhar thought, I shall be relieved to get out of. Gadadhar socha, mere ko bada acha laga, main yahan se chal bhag jao to. The Lord said, Gadadhar, you can go home today, but come early tomorrow so we can discuss more. Gadadhar, abhi aap ghar jaiye, kal aa jaiye swere jaldi aur hum fir charcha karenge. Gadadhar offered his respects to Nimai and went home. Gadadhar Nimai ko pranam karte hain, ghar jaate hain. And Nimai continued to wander to the streets of Navdeep. और जो निमाई जो है जो गलियों में घूमते थे नवदीप की. Everyone considered Nimai a most learned scholar. हर मनुष्य निमाई को सर्वश्रेष्ठ विद्वान मानता है. So they treated him with awe and reverence. इसलिए उनको वो एकदम आदर के भाव से देखते थे. Every afternoon Nimai would sit on the bank of the Ganges with his students. रोज दोपहर को निमाई जो थे गंगा जी के तट पर बैठे रहे अपने शिष्यों के साथ. द लॉर्ड्स बॉडी इज सर्व बाय लक्ष्मी. भगवान के शरीर की तो लक्ष्मी सेवा करती है. द डॉटर ऑफ द ओशन
समुद्र मंथन से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई, इसलिए वह समुद्र की कन्या हुई है। His beauty surpassed that of Cupid, उनकी जो सुंदरता है भगवान की कामदेव से बहुत ज्यादा अधिक है। एंड देयरफॉर इनकम्पेरेबल थ्रू आउट द थ्री वर्ल्ड, और त्रिलोकी में इनके जैसी सुंदरता किसी में नहीं है। Surrounded by his students, Sri Satchidananda would give explanation on the scriptures. तो अपने शिष्यों से घिरे हुए सच्चिदानंद जो थे शास्त्र की व्याख्या करते थे। In the evening, all the वैष्णव also gathered on the bank of the Ganges. शाम के समय सारे वैष्णव जो हैं गंगा जी के तट पे आते हैं। As they listened to Nimai's explanation from a distance, they felt both happiness and lamentation. जब वो व्याख्या सुनते निमाई की, उन्हें खुशी भी होती और दुख भी होता था। वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा, इफ एनीवन हु पजेस सच ब्यूटी एंड नॉलेज, उनमें से एक बंदा बोलता है, इफ एनीवन, कोई भी इतनी सुंदरता और ज्ञान जिसके पास हो, डज नॉट वर्शिप कृष्णा, देयर इज नो बेनिफिट। सारी सारा ज्ञान और सुंदरता और कृष्ण की भक्ति ना हो, कृष्ण की उपासना ही ना करे, तो वो बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने का फल ही कृष्ण की भक्ति करना है। अगर आपने कहा जी मैंने मानस पढ़ी है, भागवत पढ़ी है, लेकिन मैं गीता पढ़ी है, लेकिन मैं कृष्ण को नहीं मानता हूं, तो आपने कुछ समझा ही नहीं है। अगर ग्रंथ समझे होते तो समझने का फल कृष्ण भक्ति करना, आपने हरिनाम करना शुरू कर दिया होता था, कृष्ण की भक्ति करनी शुरू की होती। अगर नहीं समझे हो तभी तो आप भक्ति नहीं कर रहे हो। मतलब क्या कि वो ग्रंथ आपके ऊपर अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, ग्रंथ ने आपके ऊपर कृपा नहीं दी आपको। They all replied, dear brother, anyone who sees him runs away in fear of facing his challenge. तो दूसरा कहता है कि जो कोई इनके दर्शन करता है भय के मारे भाग जाता है, क्योंकि वो चुनौती देना शुरू कर दे। Someone else said, when he sees someone, he doesn't allow him to leave. तीसरा कहता है जब वो किसी को देखते हैं उसे छोड़ते नहीं है। He captures him like a tax collector captures a debtor. वो उसी प्रकार उसको कैद कर लेते हैं जैसे कोई टैक्स लेता है, कलेक्टर जो होता है जो नहीं पैसा देता उसको पकड़ लेते हैं, ये भी पकड़ लेते हैं उसको। Another said, और एक कहता है, this Brahmin has uncommon potency. इस ब्राह्मण के अंदर जो शक्ति है वो अलौकिक है। आई थिंक ही मस्ट बी सम ग्रेट पर्सनैलिटी, मुझे लगता है कि कोई महान हस्ती होंगे। ऑल्दो ही कॉन्स्टेंटली आस्क्ड श्रूड क्वेश्चन, वी स्टिल गेट ग्रेट सेटिस्फैक्शन बाय सीइंग। ये भले बहुत बुद्धिमानी वाले प्रश्न करता है, लेकिन हमें बड़ा आनंद और तृप्ति होती है इनके दर्शन करने मात्र से। We have never seen such knowledge in an ordinary person. आम इंसान के अंदर इतना ज्ञान हो ही नहीं सकता। और only regret is that he doesn't worship Krishna. हमें एक ही बात का दुख है, ये कृष्ण की उपासना नहीं करते। The Vaishnav all requested each other. सब वैष्णव एक दूसरे से विनती करें, bless Nimai so that his mind will be fixed on Krishna. उसे आशीर्वाद दो ताकि इसका मन कृष्ण में लगे। Then they all offered their obeisances on the bank of the Ganges and blessed Nimai with a prayer. फिर उन्होंने क्या किया? प्रणाम करते हैं और गंगा जी के तट पे और उन्हें आशीर्वाद देते हैं प्रार्थना करते हुए। क्या प्रार्थना करते हैं? ओ कृष्णा, प्लीज लेट द सन ऑफ जगन्नाथ मिश्रा बिकम अब्सॉर्ब्ड इन यू विद डेविएशन। हे कृष्णा, जगन्नाथ मिश्रा का जो पुत्र है वो मग्न हो जाए, विचलित हुए बगैर आपकी भक्ति में मग्न हो जाए। यही वैष्णव की प्रार्थना होती है कि आपका मन कृष्ण में लगे, कृष्ण में मति हो, कृष्ण में प्रीति हो और कृष्ण में हमारी गति हो। कृष्ण भावित मति होनी चाहिए हमारी। और वैष्णव के आशीर्वाद से ही हमारी बुद्धि कृष्ण में लगेगी, बगैर उनके आशीर्वाद के
हमारी बुद्धि नहीं लग सकती कृष्ण में. लेट हिम कॉन्स्टेंटली वर्शिप यू इन लव. ये लगातार कृष्ण की उपासना करे प्रेम सहित. ओ लॉर्ड प्लीज लेट अस हैव सच एसोसिएशन. ईश्वर मुझे ऐसा संग प्रदान करिए कि हमेशा कृष्ण में लगा रहे, उनकी भक्ति में लगा रहे और उनकी उपासना करता रहे. एज द सुपर सोल द लॉर्ड नोज द हार्ट ऑफ लिविंग एंटिटी. क्योंकि भगवान परमात्मा सबके हृदय को जानते हैं, वो प्रत्येक जीव के हृदय की स्थिति को जानते हैं. Whenever he saw devotee like Srivas, he would offer them respect. जब उनको श्रीवास जैसे भक्त मिलते, उन्हें वो प्रणाम करते, उन्हें आदर देते. The Lord accepted the devotee blessing on his head. भगवान ने भक्तों के आशीर्वाद को अपने सिर पे ग्रहण किया. For devotional service, Lord Krishna is attained only by the blessing of devotees. क्योंकि भगवान की जो भक्ति मिलती है, भक्तों के आशीर्वाद से मिलती है. भक्तों के आशीर्वाद से मिलती है. समन ऑल्सो टोल्ड निमाई. किसी ने निमाई से कहा, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम विद मुंडेन एजुकेशन. आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो संसारिक चीजों को लेके, भौतिक पढ़ाई में क्यों वेस्ट कर रहे हो. अनदर पर्सन सेड, लुक निमाई, व्हाट डू यू गेन फ्रॉम स्टडिंग जस्ट वर्शिप कृष्णा. ये भौतिक पढ़ाइयों से तुम्हें क्या लाभ मिलने वाला है, कृष्ण की उपासना करो. क्योंकि जितनी भी आपने पढ़ाई की विद्या प्राप्त की, मृत्यु के समय कुछ काम नहीं आएगी. उल्टा ये विद्या जो है संसार की केवल अहंकार पैदा करती है और इंसान की बुद्धि तो सुधारती नहीं है, भगवान में तो लगाती नहीं है, आचरण तो बनाती नहीं हमारे आचरण को. तो वो विद्या नहीं, वास्तव में अविद्या ही है. विद्या वो है जिसकी मति कृष्ण में लगे, जिसका जो आचरण को सुधारे, वो वास्तव में रियल विद्या होती है. आना जिसकी बुद्धि संसार में लगाए और भगवान से विमुख करे, वो वास्तव में अविद्या है. Why do people study? लोग क्यों पढ़ाई करते हैं? Education is only for understanding devotional service of Lord Krishna. पढ़ाई का तात्पर्य है कि वो कृष्ण को समझे, कृष्ण की भक्ति करे, उनकी लीला का आस्वादन करे, इसलिए पढ़ाई होती है. और जब वो कृष्ण में बुद्धि लगती है तो हृदय और आचरण दोनों सुधर जाते हैं, आत्मा बल मिलता है, इंसान के अंदर दैविक गुण जागृत होते हैं. क्षमा, दया, सत्य, ये सारे जो गुण होते हैं ये जागृत हो जाते हैं उसके अंदर. सहनशीलता, दीनता, ये सब जागृत हो जाते हैं. नहीं तो अहंकार जागृत हो रहा है, दूसरे को नीचा दिखाने, होड़ लगी एक दूसरे को नीचा दिखाने की, अपने आप को शेष साबित करने की होड़ सबको लगी है. तो ये कैसी विद्या है जो दूसरे को एक नीचा दिखाए, अहंकार जागृत करे, वो विद्या है ही नहीं. इफ दैट पर्पस इज नॉट सर्व्ड, देन व्हाट इज द यूज ऑफ एजुकेशन. अगर आपके अंदर कृष्ण भक्ति जागृत नहीं हो रही तो क्या फायदा इन सब विद्या का. क्योंकि रियल विद्या क्या है, मुझे जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु से कैसे मुक्त हो, मैं क्यों कष्ट उठा रहा हूं, क्यों मुझे दुख बार बार जीवन में आ रहा है, मैं बुढ़ापे से कैसे, कौन बूढ़ा होना चाहता है लेकिन बुढ़ापा सबको आता है, कौन रोगी होना चाहता है, रोग ना चाहते भी आ रहा है, और कौन मृत्यु चाहता है फिर भी आ रहा है. तो चाहो या नहीं चाहो, क्या इनसे मुक्त होने का हम प्रयास नहीं करना चाहिए. पहली बात, हमें पता भी, जब मैं हो कौन, मेरा उद्देश्य के संसार में आने का केवल खाना, बच्चे पैदा करना और सोना, यही है. ये तो पशु भी करे हैं, वो तो हमसे अच्छे ज्यादा बच्चे पैदा करे हैं. जितने बच्चे स्वर पैदा कर सकते स्वर नहीं, उतने तो हम भी नहीं कर सकते हैं. जितना काम सो बंदर भोग सकता उतना तो मनुष्य भी नहीं कर सकता, जितना काम गधा कर सकता मनुष्य नहीं कर सकता, जितना हाथी खा सकता है उतना हम भी नहीं खा सकते, और जितना घोड़ा तेज दौड़ सकता वो भी नहीं कर सकते. तो पशु में भी हमसे श्रेष्ठ है अगर देखा जाए तो.
ये शरीर केवल कृष्ण भक्ति के लिए मिला है। कृष्ण भक्ति करके जन्म बुढ़ापा रोग मृत्यु से मुक्त होना, भगवान के चरणों को प्राप्त करना, भगवान की सेवा के लिए मिला है। भगवान की भक्ति या भगवान की सेवा करना और दूसरा कोई उसका उद्देश्य नहीं है। इससे समय बर्बाद मत करो संसारिक वस्तुओं के पीछे दौड़ के, उनको इकट्ठी करने में, खरीदने में, उनमें भोगने में, मैं इंजॉय करो। हर चीज दिखने में आती है कि इंजॉयमेंट है, लेकिन हर चीज़ खत्म होती है। लेकिन जो कथा में और प्रेम में डूबते हैं वो हमेशा आनंदित रहते हैं, उनका सुख कभी खत्म होता ही नहीं है। संसार का सुख थोड़ी देर के लिए आएगा, 2 घंटे 3 घंटे, फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन भक्ति में जो प्रेम का जो सुख है वो कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा बना रहता है। तो उस सुख के लिए प्राप्त करो जो अक्षय है, जो क्षय ना हो जिसका। द लॉर्ड स्माइल एंड सेड, भगवान मुस्कुराते कहते हैं, आई एम मोस्ट फॉर्चुनेट फॉर यू आर ऑल टीचिंग मी द डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा इन द एसेंस ऑफ ऑल एजुकेशन। कहते हैं मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आप मुझे शिक्षा दे रहे हो कि कृष्ण भक्ति सार है सारी पढ़ाई का। ये बात भी कृपा से ही समझ में आएगी, भगवान की या भक्तों की कृपा से। लोग पढ़ के भी रामायण भागवत और भगवद गीता पढ़ के भी उन्हें समझ में नहीं आती है। अगर जो पढ़ते हैं उनके पूछो समय, तो कहते हैं समय समझ में आए तो फिर भक्ति क्यों नहीं शुरू की, फिर नाम जप क्यों नहीं करना शुरू किया। भागवत में का विश्राम जो होता है 12 स्कंद नाम कीर्तन से होता है। छठवें स्कंद के अंदर 4 अध्याय दिए गए नाम के ऊपर, और मानस के हर कांड के अंदर स्वयं शंकर जी कह रहे बिलो अभाग्य हैं जो राम नाम नहीं जपते। मानस का विश्राम हर कांड का बोलता है कि भाई अपने जीवन को राम नाम से जप लो, भज लो। ये हर कांड में 15-20 पे में लाइनें आती इस प्रकार की। तो अगर आपने समझी तो फिर राम नाम क्यों नहीं जपा तुमने, मतलब कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया। I sincerely feel that one who is blessed by all of you is most fortunate. मुझे लगता है हृदय से कि जिसे आप लोग आशीर्वाद देंगे वो भाग्यशाली होगा। और संत कौन सा आशीर्वाद देते हैं, कृष्ण भक्ति में तुम्हारी मति हो। वो ये नहीं कहते तुम्हारा धन बढ़े, तुम्हारे को बच्चे हो जाए, तुम्हारी शादी हो जाए, वो ये सब नहीं कहते। ये काम संत का नहीं है। संत का काम है जीव को संसार से निकालना, ना कि संसार में ढकेलना। जो आशीर्वाद देते हैं संसारिक वस्तुओं के वो संत नहीं है, वो पाखंडी हैं। जो भगवान जो संसार की कामना खत्म करने के, वो अपनी कामना बढ़ा रहे हैं, ये भी दो, वो भी, वो मिलेगा, ये पूजा करोगे ये मिलेगा, वो संत नहीं है। संत का काम है जीव को संसार से निकाल के भगवान के चरणों में लेके जाना, ना कि संसार में से डालना। आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट आफ्टर टीचिंग अ व्हाइल लॉन्गर आई विल गो सर्व अ प्योर डिवोटी। कहते हैं मैं निर्णय कर चुका हूँ थोड़े समय में और विद्या पढ़ाऊंगा और फिर मैं किसी शुद्ध भक्त की सेवा करूंगा। After saying this, the Lord smiled at his servant. ये कहके भगवान अपने सेवकों पे मुस्कुराते हैं। By his influence, how no one could recognize him. क्योंकि भगवान के योग माया के कारण कोई भी भक्त उन्हें पहचान नहीं सका, ये तो स्वयं कृष्ण ही है। In this way, Nimai attracted the heart of everyone. इस प्रकार Nimai जो है सबके हृदय को आकर्षित करे। There was no one who escaped his power of attraction. ऐसा कोई नहीं जो इनके प्रति आकर्षित ना, क्योंकि इतने सुंदर थे सभी इनके प्रति आकर्षित हो जाते। क्यों सुंदर थे, क्योंकि राधा रानी बहुत सुंदर है, कृष्ण से भी ज्यादा सुंदर है, इसलिए वो राधा रानी के भाव को लेकर इसे अति सुंदर है। Sometimes the Lord sat on the bank of the Ganges and sometimes he wandered on the streets of Navdeep. Kabhi wo Ganga ke tat par baithte hain aur kabhi wo Navdeep ke galiyon mein ghoomte hain. Whenever the residents saw the Lord, they would welcome him with great respect. Jo koi wahan ke niwasi inke darshan karte wo unhe aadar pradan karte hain. Hum katha kal padhenge isko vishram dete hue. वांछा कल्पत्रु भेश्च कृपा सिंधु एवच पतितानं पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।